हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम पोएम कर रहे हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्रेड 10 सीबीएसई की। इस पोएम को लिखा है ऑगडेन नैश ने। अब इस पोएम के बारे में कुछ जान लें। ये एक तरह से पोएम जो है कम्प्लीटली पोएट की इमेजिनेशन पर बेस्ड है और इसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस पोएट में पोएट इमेजिन कर रहे हैं एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था बेलिंडा और उसके पेट्स एक कैट, एक डॉग, एक माउस और एक ड्रैगन, जिसमें जो ड्रैगन था वो सबसे ज्यादा डरपोक था। जब लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि एक पायरेट जो है वो उन पे घात लगाए बैठा होता है तो ड्रैगन अपना जो असली नेचर है वो दिखाता है और उन सबको नुकसान होने से बचा लेता है। अब अपनी इस पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम में टोटल 14 स्टैंजास हैं। हर स्टैंजा 4 लाइन का बना हुआ है, इसलिए टोटल इस पोएम में 56 लाइंस हैं। हमको जो पोएम शुरुआत करी जा रही है उसमें इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कि बेलिंडा जो है वो अपने पेट्स के साथ रहती है एक व्हाइट हाउस में। अब ये जो पेट्स हैं वो एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक ड्रैगन है। ये लोग एक रेड वेगन यानी रेड बग्गी का इस्तेमाल करते हैं जब भी इन्हें कहीं बाहर जाना होता है। किटन क्योंकि ब्लैक कलर का है इसलिए उसका नाम इंक है। माउस छोटा है, उसका नाम ब्लिंक है। डॉग येलो है इसलिए उसका नाम मस्टर्ड है। और ड्रैगन क्योंकि सबसे ज्यादा कावर्ड है, सबसे ज्यादा डरपोक है, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड है। कस्टर्ड एक पूरी तरह से बड़ा ड्रैगन है यानी फुल ग्रोन ड्रैगन है और अपने आप को आसानी से बचा सकता है किसी भी मुश्किल से, क्योंकि उसके जो टीथ है वो बहुत शार्प है। उसके जो पीठ है यानी जो उसका बैक है उसमें कांटे स्पाइक्स निकले हुए हैं। उसके जो स्टमी का पोर्शन है यानी जो पेट का पोर्शन है उसमें बहुत स्केल्स हैं और उसके बिल्कुल चाकू जैसे टोज हैं। वो यहाँ तक कि जब सांस लेता है तो उससे आग निकलती है। बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये सब बहादुर हैं, जबकि वो कस्टर्ड से साइज में बहुत छोटे हैं। लेकिन कस्टर्ड वो इतना डरपोक है कि वो ज्यादातर अपने आप को एक पिंजड़े में बंद करके रहना ज्यादा पसंद करता है ताकि वो उन सब लोगों सबसे बाहरी जो भी हार्मफुल चीजें हैं या जो भी परेशानियां हैं उससे अपने आप को सेफ फील कर सके। बेलिंडा और जो बाकी उसके पेट्स हैं वो सब कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक डरपोक है और हर वक्त डरपोक की तरह बिहेव करता है। बेलिंडा उसको गुदगुदी करती है जबकि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं, वो उसको कंपेयर करते हैं जो एक बहादुर राजा थे परसीवल उनसे, जो कि किंग आर्थर की सर्विस में थे और उनको ये बताना चाहते हैं कस्टर्ड को कि तुम देखो परसीवल जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। कस्टर्ड जब भी अपने आप को केज में रखता है तो बेलिंडा और ब्लिंक जो है दिल से जैसे ना हंसने लग जाते हैं, खूब दिल खोल के हंसते हैं, जबकि इंक और मस्टर्ड उससे पूछते हैं कि वो कितना बड़ा है जो वो हर चीजों से इतना डरता है। एक दिन बेलिंडा और उसके जो पेट्स हैं वो एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। मस्टर्ड को ऐसा लगता है कि हाँ परेशानी आ रही है तो वो जो है थोड़ा घुराने लग जाता है। इंक और बेलिंडा डर के मारे रोने लग जाते हैं और फाइनली वो देखते हैं कि एक पायरेट जो है वो उनके घर के अंदर आ रहा है विंडो के थ्रू। अब पायरेट के हाथों में दोनों हाथों में गन्स थी और उसके दांत के बीच में चाकू दबा हुआ था। उसकी मूछे थी और उसका एक पैर लकड़ी का था। इसकी वजह से वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। बेलिंडा रोने लग जाती है ताकि मदद मिल सके। मस्टर्ड भाग जाता है, इंक बेसमेंट में छिप जाता है और जो ब्लिंक है वो अपने माउस होल में घुस जाता है। अब कस्टर्ड सबको देखकर सबकी हाव भाव सबके एक्शंस देख के सरप्राइज रह जाता है। वो एकदम से कूदता है और जैसे गुस्से में जो है जोर जोर से सांस लेने लगता है और आवाज निकालने लगता है। और जब वो आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो रहा हो, वैसी आवाज आ रही थी। अब कस्टर्ड जो है वो अपनी जो पूंछ है उसे फ्लोर पे जोर जोर से मारता है, जैसे उससे जो साउंड निकल रही थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे डंजन होता है जो एक आपका टॉर्चर चैम्बर होता है
वहां पर कोई मेटल चेन्स जो है एक दूसरे से टकरा रहा हो। फिर वो पायरेट की तरफ बढ़ता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक चिड़िया किसी जो वर्म होता है उसको खाने के लिए आगे बढ़ती है। अब पायरेट का रिएक्शन जो है कस्टर्ड की तरफ कैसा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि जो ड्रैगन है इसके सामने जीतने का कोई चांस नहीं है, तो वो कस्टर्ड की तरफ घूर के देखता है और जो उसके पास बॉटल थी उससे जो है वो अल्कोहल को पी जाता है ताकि तैयार हो रहा था वो अपने आप को कि तुम मुझे जिंदा खा लो। वो अपनी पिस्टल से दो शॉट्स भी जो है कस्टर्ड पे फायर करता है पर उसका निशाना चूक जाता है और फाइनली जो कस्टर्ड था उसने उस ड्रैगन को एक ही बाइट में पूरा खा लिया। अब वैलेंडा जो है वो सब देख रहे थे तो वो आके एकदम से कस्टर्ड को एक हग देती है और मस्टर्ड जो है वो उसको चाटने लगता है। अब दोनों इंसान और जो डॉग थे वो एक तरह से पूरी तरह से उसके बारे में अपना अप्रूवल एक्सप्रेस कर रहे थे। किसी ने भी उस पायरेट के बारे में नहीं सोचा जिसको उसने खा लिया था, बजाय इसके इंक और ब्लिंक जो है वो तो खुशी से नाचने लग जाते हैं। अब फिर हर चीज जो है बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। बेलिंडा जो है फिर से बिल्कुल शांति में रह रही है अपने पेट्स के साथ व्हाइट हाउस में। अब बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड सबके सब ब्रेव हैं, जबकि वो जानते हैं कि पायरेट जो है वो आसानी से उन सबको मार सकता था। दूसरी तरफ कस्टर्ड वो एक कावर्ड है लेकिन तब भी वो एक सेफ केज में आसानी से रहता है। तो ये थी हमारी समरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।